मानसिक शक्ति का रास्ता भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का मार्ग दिखाती है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलेंगे जो न केवल हमारे मन को शांत करेगी बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा देगी। यह यात्रा हमारे अंदर की शक्ति को जगाएगी और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। बुद्ध, जिन्होंने सैडनेस और तकलीफ से मुक्ति का रास्ता दिखाया, हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें लाइफ के उतार चढ़ावों से निपटने में मदद कर सकती हैं और हमें सच्ची खुशी की ओर ले जा सकती है। चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर एक साथ चलते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जीवन एक बदलती हुई नदी की तरह है जो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही समय भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही लाइफ भी स्थिर नहीं रहता, हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ बदलता रहता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अनित्यता ही जीवन का सच है। यह समझना हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, तो हम अपने मन को निराशा और दुहक से मुक्त कर सकते हैं। यह समझ हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाती है। हमारा मन अक्सर पास्ट की यादों या फ्यूचर की चिंताओं में खोया रहता है। सजगता का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट पर पूरा ध्यान देना, बिना किसी जजमेंट के। जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तो हमारे मन की चंचलता और बेचैनी कम हो जाती है। यह मानसिक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देता है। करुणा एक ऐसी ताकत है जो हमें जोड़ती है। यह हमें अपने भीतर की शांति और दूसरों के साथ के महत्व को समझने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब इस लाइफ जर्नी में एक साथ हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम एक मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। करुणा का अभ्यास करने से हम गुस्सा, नफरत और कड़वाहट जैसी नेगेटिव फीलिंग से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। जब हम अपने और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। दया और करुणा से भरा जीवन हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करता है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इच्छाओं का त्याग करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को छोड़ते हैं, तो हम अनावश्यक टेंशन और दुख से मुक्त हो जाते हैं। सही दृष्टिकोण का मतलब है लाइफ को वास्तविकता में देखना और समझना। इसका मतलब है चीजों को उस रूप में देखना जैसे वे वास्तव में हैं। सही दृष्टिकोण का मतलब है सच्चाई को गहराई से समझना। जब हम सच्चाई को समझते हैं, तो हमारे डिसीजंस ज्यादा सही और मीनिंगफुल होते हैं। धैर्य एक अच्छी आदत है जो हमें लाइफ की चुनौतियों का सामना शांति और समझदारी से करने में मदद करती है। जब हम धैर्य से हर सिचुएशन का सामना करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। हम गुस्सा, निराशा और अधीरता जैसी नेगेटिव फीलिंग्स पर काबू पा लेते हैं। ध्यान एक ऐसी मानसिक एक्सरसाइज है जो हमें अपने मन को शांत करने और अंदरूनी शांति पाने में मदद करती है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे मन को शांत और क्लियर बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। नैतिक आचरण का मतलब है सच, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और आवश्यकता से अधिक न रखना जैसे अच्छे सिद्धांतों का पालन करना। जब हम अच्छे सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर के संघर्ष कम हो जाते हैं। यह नैतिक आचरण हमें अंदरूनी शांति और मानसिक मजबूती देता है। भगवान बुद्ध की मानसिक शक्ति पर आधारित इन शिक्षाओं को जानने के लिए धन्यवाद। इन लेसन्स को अपने लाइफ में शामिल करके हम एक मजबूत और शांत मानसिकता बना सकते हैं। लाइफ कंपास को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।